वाटरफॉल गॉड्स वैली। दोस्तों ये तो आपको वीडियो के एंड में मालूम चलेगा कि कालू वाटरफॉल को गॉड्स वैली क्यों कहते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को। कालू वाटरफॉल पुणे से 135 किलोमीटर पर है। पुणे से 20 किलोमीटर पर यह है मोसी का टोल नाका। सुबह के 7 बजे हम आ गए चाकन चौक पर और यहाँ पर ये देखिए अब ट्रैफिक। नासिक हाईवे से ये रास्ता जा रहा है नारायणगांव के लिए। नारायणगांव से 2 रास्ते जाते हैं, एक जुन्नर होते हुए आपको मालसेज घाट लेकर जाएगा और दूसरा रास्ता ओझर और ओतूर के रास्ते आप मालसेज घाट तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं कालू वाटरफॉल जो मालसेज घाट में है और ये गॉड्स वैली के नाम से काफी फेमस है और काफी पॉपुलर हो रहा है। मालसेज घाट के सुंदर दृश्यों को देखते हुए अभी हम नीचे उतर रहे हैं। मालसेज घाट से नीचे उतरने के बाद ये तिथवी ब्लेज के लिए एक रास्ता जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है मालसेज घाट से नीचे आते हुए ये रास्ता है और यहाँ से ये कमान देखिए, इस कमान से आपको अंदर की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको तिथवी विलेज मिलेगा। कमान के एक तरफ ये घर भी बना हुआ है जिससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम इस कमान से अंदर जा रहे हैं तिथवी विलेज के लिए। रोड के दोनों तरफ आप खूबसूरत हरियाली देख सकते हैं और सामने मालसेज घाट का व्यू भी आप देख सकते हैं। तिथवी विलेज कमान से 2 किलोमीटर के आसपास है। दोस्तों तिथवी विलेज तक जाते हैं, उसके बीच में ये देखिए काफी शानदार छोटी सी वाटर स्ट्रीम है और ये छोटा सा पुल है और यहाँ देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत ही बेहतरीन। और ऊपर आप देख सकते हैं मालसेज घाट। ये सामने आ गया है तिथवी विलेज, जहाँ से वो कार आ रही है वो गांव के अंदर जाने का रास्ता है। आपको लेना है राइट टर्न। ये रास्ता गाँव के बाहर से जाते हुए तिथवी फॉरेस्ट रिजोर्ट तक जाता है जहाँ से कालू वाटरफॉल का ट्रैक शुरू होगा। दोस्तों अभी हम आ गए हैं कालू वाटरफॉल ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट पर, यहीं से ये ट्रैक शुरू होता है। 5-6 किलोमीटर हम लोग अंदर आए तिथवी विलेज की साइड से और यहाँ पे काफी सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने के बाद अभी हम कालू वाटरफॉल के लिए आगे तरफ चलेंगे। व्हीकल पार्किंग के 100 मीटर चलने के बाद ये पहली वाटर स्ट्रीम आ जाती है और आप इधर आइए, इधर देखिए शानदार वाटर स्ट्रीम है और हम लोग को पहली वाटर स्ट्रीम यहाँ से क्रॉस करनी है, उसके बाद हमारा ट्रैक कंटिन्यू रहेगा। और यहाँ पर अभी काफ़ी सारे लोग आए हैं घूमने के लिए, मज़ा आ रहा है सबको, कैसा लग रहा आपको? बहुत बढ़िया मज़ा, पहली वाटर स्ट्रीम, फैंटास्टिक, सो अमेजिंग। देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। कितना साफ पानी है, कितना मजा रहा, देखिए कितना क्लीन है यहाँ पे वाटर। और ये इधर से आ रहा है और हमको अभी इधर चलना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इस चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी हम ट्रैक पर आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ट्रैक पर जाते हैं सभी लोग काफी उत्साहित हैं और काफी स्पीड से चल रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी कालू वाटरफॉल का प्लान कर लीजिए, बरसात भी काफी कम है आजकल और आप आराम से कालू वाटरफॉल को एंजॉय कर पाएंगे। तो हमारे ग्रुप में काफी जोश है अभी कालू वाटरफॉल को देखने का और ये हम थोड़ा काफी खुले में आ चुके हैं। सब देखिए कितने हैप्पी है, कितने खुश है, क्या शानदार नज़ारे। पीछे देख सकते हैं आप काफी शानदार, ये देखिए पीछे काफी अच्छी पहाड़ी नजर आ रही होगी आपको। जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो टूरिस्ट काफी ज्यादा आ गए और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसे हम पहुँचेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों 15-20 मिनट चलने के बाद एक और हम मैदान में आए और यहाँ से आई थिंक कालू वाटरफॉल थोड़ा दिखाई दे रहा है। ये देखिए इधर काफ़ी एक व्यू यहाँ से हमको कालू वाटरफॉल का दिखाई दे गया। आगे देखते हैं हम, इतने आने पर यहाँ पर आपको कालू वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा। ये 5-लेयर वाटरफॉल है,
वन ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल है ये मालसेज घाट का। दोस्तों ऑलमोस्ट हम कालू वाटरफॉल के पास पहुँच ही गए, तो आप देखिए कितना बड़ा वाटरफॉल है ये। वाटरफॉल की हाइट है लगभग 1200 फीट के आसपास और काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। एक बड़े मैदान से ये मालसेज घाट का व्यू देखिए आप। दोस्तों कालू वाटरफॉल के सामने हम पहुँच ही चुके हैं। गोट्स वैली के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, गोट्स वैली बोलते हैं इसको। लेकिन कितना शानदार नज़ारा है, 5 लेयर का ये वाटरफॉल है, मल्टी लेयर वाटरफॉल, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत और शानदार। कालू रिवर यहाँ से आ रही है, ये देखिए इसकी तरफ पूरा व्यू। उधर एक पेनोरमा वाटरफॉल है उस तरफ। दोस्तों कालू वाटरफॉल का पूरा व्यू आपको देखना है तो आपको कालू वाटरफॉल के ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के लिए खिरेश्वर से रास्ता है जहां से आप कालू वाटरफॉल के व्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अभी हम कालू रिवर तक पहुंच गए हैं, आप कालू रिवर की आवाज सुन सकते हैं। कालू वाटरफॉल और कालू रिवर दोनों दिखाई दे रही है यहाँ से। कालू वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें पहले इस रिवर को क्रॉस करना होगा। बरसात ना होने की वजह से कालू रिवर में पानी कम है, लेकिन फिर भी पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। दोस्तों कालू रिवर को क्रॉस करते हुए आप सावधानी का ख्याल रखें। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कालू रिवर को क्रॉस करा रहे हैं। रिवर में कहीं पर भी गलत जगह पैर रखने पर आप स्लिप कर सकते हैं और चोट लग सकती है। ये देखिए मैं यहाँ पर स्लिप कर गया, लेकिन डीप ना होने की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों कालू वाटरफॉल में ये कालू रिवर है, इसको क्रॉस करने के आपको वो जिप लाइन लेनी पड़ती है, लेकिन पानी कम था तो हम लोग यहीं से इसको क्रॉस कर रहे हैं और काफी मजा आ रहा है। कितना शानदार है, बहुत ही बेहतरीन, काफी सारे लोग भी आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अगर मैं आता हूँ अभी, मैं आपके सामने रिवर क्रॉस करने वाला हूँ। पानी के अंदर से ले सकते मजा आया इस कालू रिवर को क्रॉस करके। चलो दोस्तों कालू वाटरफॉल तक जाने के लिए कालू रिवर को क्रॉस करना था और आज ये कालू रिवर में पानी बहुत कम है, तो आप देख सकते हैं कि हमने बड़े आराम से हमने इस रिवर को क्रॉस कर लिया है। और जब फुल प्रेशर रहता है तो रिवर क्रॉस करने के लिए आपको एक जिप लाइन लेनी पड़ती है, तो सामने की तरफ जिप लाइन है, तो जिप लाइन से आप वहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। मैं पहली बार आया था तो मैंने यहाँ से रिवर को क्रॉस कर लिया, अदरवाइज मैं जिप लाइन से ही रिवर को क्रॉस करता। रिवर क्रॉस करके तो मज़ा ही आ गया और अभी हम आगे की तरफ चल रहे हैं। सामने ही एक कालू वाटरफॉल है और इसके दूसरी तरफ जो वाटरफॉल है वो बालू वाटरफॉल है। दोस्तों इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे एक स्टीप हाइट है, तो थोड़ा ऊपर चढ़ना होगा। ये देखिए यहाँ से अपने को थोड़ी सी हाइट पे जाना है वहाँ पर, और उसके पीछे ही कालू वाटरफॉल का शानदार नज़ारा मिलेगा देखने को। गोट्स वैली का अद्भुत और बहुत ही शानदार व्यू आपको मैं पहले यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखिए ये वैली है, इधर वाटरफॉल पूरा इधर बह रहा है और इस तरफ है कालू वाटरफॉल। क्या बहुत ही शानदार नज़ारा है, मल्टी स्टेप ये वाटरफॉल है, काफ़ी पास आ गए, बहुत ही शानदार है ये, और हम इसके थोड़ा और पास चलते हैं। जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं मज़ा आता जा रहा है, और पूरा ट्रैक आधा ट्रैक मैदान में था, तो आधा ट्रैक आपको ऐसे वाटर स्ट्रीम के पैरेलल करना है,
और पानी में से होके चलना होता है। तो थोड़ा स्लिप भी है। आगे का पूरा ट्रैक ये कालू रिवर के पैरेलल है। वाटरफॉल तक जाने के लिए कुछ लोग ऊपर की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी कितना डीप है ये आइडिया नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इसके अंदर से जाने वाला हूँ। हम लोग सेफ्टी से इस रिवर के किनारे चलते हुए इसको क्रॉस करेंगे। दोस्तों ये ट्रैक काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आप स्लिप कर सकते हैं, और या तो आपको हाइट के ऊपर जाना होगा या फिर वाटर स्ट्रीम के अंदर से होकर आपको वाटरफॉल तक जाना होगा। तो मैंने कुछ लोगों को वापस भेज दिया है, ऐसा भी काफ़ी जगह है और ये नहीं पता कि यहाँ पे कितना डीप रहेगा। दोस्तों वाटरफॉल को हम जितना अपने करीब समझते हैं एक उससे काफी दूर है। अभी इतना चलने के बाद देखिए अभी भी ये काफी डिस्टेंस पर नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ से कालू वाटरफॉल का पूरा व्यू, इसलिए ये गॉड्स वैली के नाम से फेमस है। अमेजिंग दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। फाइव स्टेप वाटरफॉल आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा होगा। बस उसके हम अभी एकदम नीचे जाने वाले हैं। इतने व्यू पे यहाँ पर अभी आराम से हम पहुँच सकते हैं। दोस्तों वाटरफॉल का ये हिस्सा थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे पानी का प्रेशर काफी ज्यादा है और सेफली आपको इसको क्रॉस करना होता है। थोड़ी सी गलती होने पर हम पानी के बहाव में बह सकते हैं, और यहाँ पर कुछ डीप होल भी हो सकते हैं जहाँ पर हम डूब सकते हैं। ऊपर से भी ऊपर ये सीन है दोस्तों, गोट्स वैली है, रियली गोट्स वैली है। दोस्तों इससे शानदार वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखा। गोट्स वैली है, रियली अमेजिंग, बहुत शानदार है, और देखिए क्या शानदार व्यू है। अभी मैं जा रहा हूँ इस वाटरफॉल के जस्ट नीचे।
दोस्तों कालू वाटरफॉल गोट वैली। तो देखकर मेरा दिल खुश हो गया और काफ़ी अच्छा लगा। और जब भी यहाँ पे आप ट्रैक करने के लिए थोड़ा सेफ्टी का ख्याल रखें या हैवी रेनफॉल में ना आए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।